हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। जय श्री राम। और तो भाई कैसे हो? और भाई कैसे चल रही आप सबकी रैंक पुश? आए हो भाई, अभी सबका कॉन्कर जहाँ तक देखो ना, मैं सबका कॉन्कर हो चुका है भाई, मेरे को पता है। ठीक है, बस कुछ बंदों का बचा यार, बस 200-300 पॉइंट रह गए होंगे। कोई क्रोम पे भी हो कोई दिक्कत नहीं, मैं हुई भाई ऐसे भी, मैं साथ में रहूँगा ही एंडिंग तक। एंडिंग तक क्या, जब तक नया सीजन नहीं आएगा तब तक रहूँगा, जब तक लॉबी भी बंद नहीं होगी तब तक भी करूँगा। ठीक है, जिन बंदों का रह भी गया भाई, लॉबी को फिर से स्टार्ट करेंगे, ट्राई करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाएंगे। और भाई जिनका बचा है उनका भी करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी कितने पॉइंट चाहिए मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, कौन कौन से बंदे का कॉन्कर बचा है और कितने पॉइंट्स बचे ये भी बताना, और क्या दिक्कतें हो रही है ये भी शेयर कर दो, ताकि मैं भाई आपको समझा सकूँ किस तरीके से आपको प्लस करना है और किस तरीके से नहीं करना है डेली भाई, मतलब कितने पॉइंट पर कॉन्कर मिलेगा ये सब कुछ। ठीक है, तो भाई जिस तरीके से मैं बोलूँगा आज भाई 4550 के आसपास में कॉन्कर होगा, कल बिकॉज मैंने 477 पे छोड़ दिया था, मतलब 2477 पे मैंने छोड़ दिया था, तो मेरी रैंक कुछ 300-350 के आसपास चली गई थी रात को। तो भाई अभी आज मतलब भाई तो 50 पॉइंट पकड़ लो एक्स्ट्रा, तो मतलब उसके आगे तो भाई कम से कम मेरे ख्याल से होगा 40-50 के बीच में पॉइंट लगा लो। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए बस आपको रात को ना 10 बजे रैंक चेक करनी है एक बार, आपकी रैंक 350 के आसपास करीब है या नहीं। ठीक है, अगर भाई आपकी रैंक चल जाती है 10 बजे ही भाई 450 के आसपास, भाई खेल लेना चुपचाप। ठीक है, 420 के आसपास भी चली गई तो एक मैच एक्स्ट्रा खेल लेना, बिकॉज भाई ऐसा हो जाता है बंदे भाई रात के टाइम पे ना सारे एस वाले बंदे भी लगती है, और भाई सब बंदे एस के होते हैं, तो भाई पॉइंट भाई वो भी लगाते हो, तुम भी लगाते हो, तो उन्होंने एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा भी लगा लिया ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, मतलब बहुत पॉइंट का फासला बन, मतलब रैंक का फासला बढ़ जाता है, तो ऊपर आपके चले जाते हैं ऐसे कर करके, आपके रैंक भाई 500 के बाहर चली जाएंगी, तो भाई आपको सुबह कॉन्कर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखो अगर आप दोपहर के टाइम के टाइम पर अगर 200-250 या 300 रैंक करके छोड़ रहे हो, तो भाई 2 घंटे बचा के रखो, लास्ट के 2 आवर्स बचा के रखो, 10 बजे अगर मैच देखना, मैंने डिस्कस बोला अगर रैंक भाई 450 या 420 के ऊपर चली गई, तो भाई एक मैच खेल लियो, और अगर भाई आपके रैंक 350 के आसपास है तो भाई रहने देना, ठीक है, 300-380 फिर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार अगर 12 बजे तक, मेरे को पता है बंदे 12 बजे तक इंस्टाग्राम ऐसे भी देख लेते हैं इधर उधर भाई, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो बस 12 बजे भी फिर से एक बार रैंक देख लेना कि भाई आपकी रैंक कितनी है, अगर 400 हो तो भी छोड़ ही देना, बिकॉज भाई उसके बाद में लॉबी लगना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 12 बजे के बाद में भाई लॉबी लगना ना से बराबर हो जाता है, आधा आधा घंटा पौन पौन घंटा मेरे को तो रुकना पड़ता है भाई, एक ही लॉबी चलती रहती है, वो लॉबी के बंदे जब मरेंगे तभी तुम्हारी लॉबी फिर से लगेगी, मतलब वो मैच कंप्लीट होने के बाद ही भाई मैचिंग लगेंगी, ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो ठीक है, तो भाई मैं बोलूँगा अभी किस तरह सर्वाइव करना है। देखो भाई स्टार्टिंग में इवेंट पे उतरते हो आप, ठीक है, इवेंट पे जितने किल्स निकाल सकते हो होल्ड करके भाई उतने किल्स निकालो, देन उसके बाद आपको जैसे भाई थर्ड, मतलब देखो सेकंड रिकॉर्ड के चक्कर में नहीं पड़ना है, एक बार मर गए ना तो भाई चुपचाप एक आधा कंपाउंड पकड़ लो, मस्त भाई जितनी लूट मिले काफ़ी है, कोई लूटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज भाई देखो बैंडेजेस लेके रखना बस बचती है ना। मैं ज़्यादा मैं आपको ये बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि भाई आप अपार्टमेंट वाला मतलब ज़्यादा लूट मारो, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर बैंडेजेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और बंदा भी आ जाए ना तो बहुत सारा कवर भी रहता है, बहुत एक अपार्टमेंट नहीं रहता, और बंदे भाई पूछ मारने से बहुत डरते उधर। ठीक है, तो आप भाई डीबे सुबह साथ में रखना, बस आसपास में बंदा भी आ गया डीबे का, बस रिलोड भी कर लिया बंदा भाग जाएगा भाई। ठीक है, बिकॉज उसको भी रैंक पुश करनी है, आपको भी रैंक पुश करनी है, तो भाई माइनस तो दोनों को नहीं चाहिए, तो भाई दोनों फाइट ही रहेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा ही कांडू बंदा हो तो भाई वो उसका जगह भाई डीबे ले, आप बैठ जाओ, बस बंदा आए तो उतार दिए और क्या भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी गन सिंगल हो चुकी थी भाई, यार नहीं तो ये बंदा गिर जाता। ठीक है, तो थोड़ा सा सीन हो गया, तो वो यहाँ से निकलते अपन। एंड मैं अभी भाई फिलहाल हूँ इंडिया में हैशटैग 9 के 9 पर बैठा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास देखो आप बोल रहे होंगे भाई आप क्यों खेल रहे हो, आप क्यों पॉइंट बढ़ा रहे हो, तो देखो मेरे पॉइंट बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जो हैशटैग होने वाला बंदा है वो पॉइंट बढ़ाएगा तो भाई आपको दिक्कत होगी। ठीक है, वो वाला बंदा और टॉप 100 वाला बंदा, ये बंदे भाई पॉइंट से बढ़ाएंगे ना तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, बीच वाले बंदों ने कुछ क्या नहीं किया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती भाई। ठीक है, तो इसलिए भाई ठीक है और कुछ नहीं भाई, बस मेरा भी मेरे को भी 3 केसेस कवर करना है यार, जहाँ पेचर होनी चाहिए भाई बंदा सोलो फीपी का, ऐसा मैं हर बार तो नहीं करता, इस बार थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ मैं कि रैंक में बैठा रहूँ अच्छा खासा, मतलब 2-4 नंबर पे, तो ताकि भाई बंदे भी जान पर के भाई ये भी रैंक पुश अच्छा, मतलब यूट्यूबर भी है ये सब। ठीक है, इसकी वजह से मैं पुश कर रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं भाई मेरे को, वही कोई मतलब ये नहीं है कि मैं रैंक में अगर आपको पॉइंट्स बढ़ा हूँ आपकी दिक्कत है, आपके बीच में दिक्कत हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, थोड़े से पॉइंट के लिए कोई दिक्कत नहीं भाई, आप आराम से पुश करो, हो जाएगा आपका। ठीक है, दिन में देखो भाई 250-300 प्लस तो मेरा इजी निकल जाता है, मैंने बोला उस तरीके खेलो भाई, मैं इसी तरह से
खेल रहा हूँ अभी कॉन्करोल, अभी पर भी ठीक है कॉन्करोल मेरे मतलब कॉन्करोल होने के बाद में भाई वैसे में वैसे ही खेल रहा हूँ मैं, जितना खेल सो सके उतना निकालता हूँ मैं पूरा ये करता हूँ ठीक है। पर ये जो दो मैंने क्लिप्स डाली ना भाई अभी गेम प्ले, भाई ऐसा सीन होता है जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना तो टॉप 10 नहीं हो पाता, किल्स तो निकल जाते हैं बट भाई टॉप 10 में देखो भाई टॉप 10 से पहले बंदे मेल लेते इधर उधर से, क्या सीन रहता पता नहीं भाई, शनि लग जाती है जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना भाई, टॉप 10 होता ही नहीं है क्यों पता नहीं। तो या फिर मेरे को 17 का प्लस मिल गया 9 किल की वजह से, बट आप समझो अभी मेरा टॉप 10 हो जाता भाई, टॉप 10 के पास में और भाई 4-5 किल निकाल लेता भाई, इतने इसमें कितना प्लस मिलता है मेरे को सोचो भाई, क्या ही करे भाई जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ ना भाई साला क्या फुटा नसीबे पता नहीं ये लग जाता है भाई, और ऐसे कुछ मेरे को माइनस लग जाता है ठीक है। देन मैंने उसके बाद भाई दूसरी मैचिंग लगाई, इधर भी वही सीन भाई, उधर भी टॉप 10 नहीं हो पाया, 12 में ही मर गया मैं, 11 किल थे मेरे ठीक है। या फिर टॉप 10 हो जाता ना कसम से और अच्छा लगता है मेरे को, और मतलब दो ही दो इससे भी भाई बहुत ही फर्क पड़ता है मेरे को, अच्छा खासा प्लस मिल जाता है यार क्या ही बताओ ठीक है। तो भाई देखो अगर फ्लेयर अगर मिल जाती ना तो भाई उसको वेस्टेज मत करो, जब भी आपका थर्ड फोर्थ सर्कल बनना वाला हो और आपके जोन के बाद जब बैंडेज मारते हो ना, जैसे थर्ड सर्कल बन जाए ना भाई, जैसे स्टार्ट हो जाएगा थर्ड सर्कल तो भाई बाहर होने का BIDM मंगा लेना ठीक है, बिकॉज आपको बहुत ही मतलब काम आएगी ये वाली मतलब BIDM आपको भाई बंदे मतलब देखो मारेंगे तो नहीं बट आपको भाई ज़्यादा ओपन में नहीं भगा नहीं, तो टीम अप वाले दोनों मिला के फोड़ेंगे ना तो वो अलग सीन हो जाएगा, अकेला बंदा कुछ नहीं करेगा भाई, अकेला बंदा फायर भी नहीं देगा फालतू में, बिकॉज वो भी ओपन में रहेगा तो भाई वो फायर नहीं करेगा ठीक है। और आपको भाई घर के आसपास तो BIDM लेके जानी नहीं है ठीक है, तो ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ पे भाई बंदा एक ही हो, वो सिंगल बंदा हो, या फिर भाई ओपन में मत घुमाओ ना तो ओपन में पीटे जाओगे, इधर भी फोड़ेगा उधर से भी फोड़ेगा, बीच में कचोमो बनेगा फिर माइनस लगेगा, मतलब माइनस नहीं लगेगा प्लस ही होगा, थर्ड फोर्थ सर्कल पे माइनस नहीं होता जितना, बट बस कम प्लस मिलेगा और कुछ नहीं ठीक है। तो मैं जिस तरह से बोलूँगा उस तरीके से करो, देखो मैं लास्ट तक भाई BIDM लेके सर्वाइव कर रहा हूँ और कोई दिक्कत ही नहीं है भाई मेरे को, बस BIDM लेके भाग रहा हूँ मैं, और नॉर्मल गाड़ी हो तो भाई देखो ऐसे पोजीशन पकड़ने बंदे को बहुत ही हार्ड हो जाता है, ओपन में कोई भी बंदा फेल लेता है अगर नॉर्मल गाड़ी हो तो, बट हो जाता है बट ठीक ठाक रहता हूँ, तो ये बंदे को देखो मैं कुचल देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा भाई बाय 13 किल हो जाते हैं कंप्लीट, और क्या चाहिए बताओ भाई, मेरे 13 किल हुए हैं बस भाई, टॉप 10 नहीं कर पाया मैं साल, ये बंदा बहुत ही भाई ये बंदा भाई बहुत ही इसके वजह से सीन हुआ है सबके सब, इसके वजह से टॉप 10 हुआ नहीं साला, बीच बीच में कर रहा था क्या ही करो यार, बहुत ही तंग किया है बंदे ने, और लास्ट में मेरी BIDM लेके भाग गया साला क्या ही बताओ तुमको, और बाजू वाले बंदे ने मेरे को पेल दिया, अभी देखो भाई सीन क्या होता है। तो मेरे को लगा यार बंदे को मार दूंगा मैं इजी, बहुत ही चालाक भाई, बहुत ही नक्चिड़ी बंदा था, अरे BIDM में लेके भाग गया कसम से यार क्या ही पता, अभी मैं इसको जैसे मारने के लिए उठूंगा भाई ये बंदा भाग जाएगा पता है, मैं इसको घुमा ही रहा था भाई, मैं इसको घुमा ही रहा था, वो भी तंग हो रहा था मैं भी तंग हो रहा था, मैं इसलिए घुमा रहा था ताकि भाई कोई ऊपर वाला बंदा हो नीचे वाला वो बंदा इसको मार सके मैं, बिकॉज इसको कवर से बाहर निकाल रहा था, बट ऐसा कोई बंदा है ही नहीं भाई, इसको मार ही नहीं रहा मैं, इतना ओपन में लेके जा रहा हूँ भाई, किल मारो भाई किल निकाल लो इसका, एक किल मिल जाएगा, पर ये क्या है भाई ये बंदा भाई मरने का नाम ही नहीं ले रहा, साइड से बग्गी भी आई फिर भी नहीं मैच छोड़ रहा भाई, तब UMP से फायर करता है, तब मैं सोचता हूँ भाई जैसे ये रिलोड पर जाएंगी तो मैं इसको पेल लूँगा ठीक है। तो भाई जैसे ही सीन होता भाई देखो बंदा अभी बग्गी में आके बैठेगा भाई कसम से, ये देखो भाई बहुत ही नक्चिड़ी भाई बंदा है ना कसम से भाई, बहुत गुस्सा है, तो साइड वाले बंदे तुरंत मेरे को पेल दिया भाई, देखो मैं इधर कवर में आया देन भाई पीछे से साइड वाला बंदा पेलेगा, अभी क्या ही यार सीन ही सीन है यहाँ पे, दिक्कत हो गई मेरी बहुत, तो देखे गाड़ी बंदे ने गाड़ी फोड़ दी। तो ऐसे कुछ तरह से हंसो मत यार, बहुत ही बुरा लगता है मेरे को ऐसा सीन हो जाए तब, तो देखो भाई यहाँ पे भी मेरे को अच्छा खासा 25 का प्लस मिल गया, टॉप 10 होता तो और अच्छा होता और अच्छा प्लस मिलता ठीक है। तो करो भाई रैंक पुश, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बोलो, मैं ही हुई यहाँ पे, तो मिलते भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब टाटा एम, बाय बाय, सी यू गाइज़।